स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। जल्दी बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी विभाग को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, कौन कौन से विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं, किस किस विभाग में वैकेंसी आने वाली हैं, आगे वीडियो में सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आ चुके अपडेट की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा। और प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के प्रतिबद्धता पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। रिक्तियों का पूरा विवरण आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को इस आशय का पत्र भेजा है कि इस पत्र के माध्यम से विभाग, अधीनस्थ आयोग, निगम प्राधिकरण, परिषद आदि की सीधी भर्ती की समस्त रिक्तियों का विवरण मांगा है। विभागों को समूह का और समूह गा की सीधी भर्ती की रिक्ति का विवरण तय फॉर्मेट में भेजना है। कार्मिक विभाग ने रिक्तियों के संबंध में पहले 15 जुलाई को पत्र जारी किया था, जिसमें 18 जुलाई तक समूहवार रिक्तियों का विवरण दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। 18 जुलाई तक सिर्फ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा उच्च शिक्षा विभाग ने ही रिक्तियों के संबंध में ब्यौरा दिया था। अन्य विभागों द्वारा रिक्तियों के संबंध में ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया। इसके बाद कार्मिक विभाग ने 20 जुलाई को दूसरी बार सभी विभागों को इसके लिए पत्र लिखा है। विभागों ने तैयार कर रखा है रिक्तियों का ब्यौरा। बताया जाता है कि अधिकांश विभागों ने सीधी भर्ती को रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कर रखा है। विभाग स्तर पर इन्हें भरने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाने, कार्मिक विभाग के पास रिक्तियों का पूरा ब्यौरा पहुँच जाने पर प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का काम करेगी। इससे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार और लोगों को नौकरी से जोड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों से खाली रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें समूह का और घा की सीधी भर्ती की रिक्तियों का विवरण तय फॉर्मेट पर मांगा है। 18 जुलाई तक मांगा गया था, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ही दिया गया है। अन्य विभागों द्वारा अभी भी नहीं दिया है, जिसके लिए 20 जुलाई को दोबारा फिर से एक पत्र लिखा गया है। दोस्तों, सरकार के पास सभी विभागों की रिक्त पदों का ब्यौरा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से जल्दी शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।